अल्पसंख्यकों की बात हो तो सीधे तौर पर निगाहें मुस्लिम पर जा टिकती हैं, मगर भाजपा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय में अन्य भी पंथ संप्रदाय के लोग हैं। हालांकि मुस्लिम समुदाय जो कि भाजपा से दूर ही रहता है उसे भी साथ लेकर चलने की कवायद मजबूत दिखाई पड़ी जब पलामू मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित पार्टी कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात समेत पलामू भाजपा के दिग्गज चेहरे मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात ने भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारों को सच साबित होता बताया। यूपी की प्रचंड जीत को अनवर हयात ने सबका विश्वास का प्रमाण जहां बताया, वहीं भाजपा की नीयत जनता के विकास से जोड़ भाजपा को हो जाने की अपील की। झारखंड की सरकार पर निशाना साधते हुए अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन की सरकार ठगने का काम करती है, अल्पसंख्यकों के साथ दोहरा चरित्र अपनाकर वोट बैंक बनाकर रख छोड़ा है, पर अब जनता जान चुकी है, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। इस दौरान दर्जनों अल्पसंख्यकों को भाजपा में अंगवस्त्र एवं कमल फूल छाप का निशान देकर शामिल भी किया गया और सम्मान सहित समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी की गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को पलामू में मजबूत बनाने में जुटी मेयर अरुणा आनंद शंकर की टीम कारगर साबित हुई है, जिसकी झलक भी जिला कार्य समिति की बैठक में देखने को मिली, जहां मेयर अरुणा शंकर ने बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में हर तबके हर वर्ग के लिए कार्यरत भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इन्हें अलग करने के लिए वोट की राजनीतिक रोटी सेकने वाले प्रयास करते हैं, मगर सच से हर कोई अवगत है, मेदिनीनगर समेत पलामू अपनी सौहार्द को समृद्धि का जरिया बनाएगा।